हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, बीसीसी का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। आपका रिज़ल्ट जो है रैंक कार्ड के रूप में जारी किया गया है। और रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताए थे। और साथ ही साथ ये भी बताए थे कि आपका अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो ओवरऑल कितना रैंक कैटेगरी वाइज होना चाहिए कि आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बी फार्मा हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, या अन्य जो भी पारामेडिकल कोर्सेज हैं, सभी का कॉलेज भाई बताएंगे कि अगर आपका कैटेगरी में इतना रैंक है तो इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, और फिर भी किसी तरह के आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक और बात, इसमें हम केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो के साथ जो स्टूडेंट बीसीसी के एग्ज़ाम दिए थे उन्हीं का रैंक कार्ड के अनुसार हम कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताएंगे। जो लोग एग्रीकल्चर से एग्ज़ाम दिए थे एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल, उन लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको दे देंगे, उस बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कितना रैंक आपको होना चाहिए कि आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाएगा। वैसे मैथ और बायो से भी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उनको भी एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो लोग एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मालूम चल जाएगा। और एक बात और कि लड़की जो है उन लोगों का ये कमेंट रहता है कि जैसे कि उनका वोमेन कैटेगरी रैंक जारी किया जाता है, तो वो लोग बोलती हैं कि जो मेरा कैटेगरी रैंक है उसके अनुसार से कॉलेज दिया जाएगा, इसलिए वो अपना कैटेगरी रैंक बताती है, वोमेन कैटेगरी रैंक बताती है कि मेरा इतना है। अब मगर हम बार बार कहते हैं कि आप लोग को कैटेगरी रैंक जारी किया गया है मगर उसके अनुसार कॉलेज अलॉट नहीं होता है, आपका जो ओपन कैटेगरी रैंक है उसके अनुसार से रिजल्ट जारी किया जाता है। जैसे कि आपको एक होगा ओपन रैंक, और उसके बाद जो आप कैटेगरी से होंगे उसका रैंक जारी किया गया होगा, उसके बाद वोमेन रैंक जारी किया होगा, तो आप वोमेन के नज़र नहीं रखिएगा, उस पर ध्यान ही नहीं देना है जो भी आपका रैंक हो, मगर आपको जो भी ओपन होगा उसी के अनुसार आप कमेंट कीजिएगा, उसी के अनुसार हम आपको बताएंगे। अगर आपके जैसे कि RCG होता है, गर्ल्स रिजर्व कोटा होता है, तो इसके अनुसार भी लड़की लोग को स्पेशल सीट रिजर्व रहते हैं उसमें एडमिशन होता है, तो हो सकता है अगर आपके बीसीसी के रैंक कार्ड पर RCG कोटा का भी रैंक दिया गया हो तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, या हम वीडियो में बताएंगे तो उससे भी अपना मिलान कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज या कौन से कोर्स में आपका जो रैंक है उसके अनुसार एडमिशन हो जाएगा। और किसी भी तरह के आपको लगता है कन्फ्यूज़न है तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर जो भी बातें बताई जाती है रियल बताई जाती है। और अगर आप रैंक कार्ड के बारे में पूछते हैं तो हम जिसका एडमिशन नहीं होने वाला रहता है, जिसको कॉलेज नहीं मिलता है, डायरेक्ट नहीं बोल देते हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो बोलते हैं कि हमको कॉलेज नहीं मिलेगा और आप हाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप हमको लुभाना चाह रहे हैं ऐसे ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तभी हम ना ही बोलेंगे, अगर मिलेगा तभी हाँ बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के, और आपको स्क्रीन पर अपने फोन पर ले जाते हैं जिससे कि जो भी डाटा आपको तैयार किए हैं उसको दिखाने की कोशिश। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे ये पिछले वर्ष 2022 में जो आपका एडमिशन हुआ था बीसीसी के थ्रू, बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर या अन्य कोर्सेज जो भी हैं, उसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए, कौन से कॉलेज में, किस कोर्स के लिए कितना रैंक पर एडमिशन हुआ है, तो इसमें आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि एक अलग पेज पे इसी डाटा को लिख लिए हैं, और जिससे कि आप लोग को समझाने में और समझने में आसानी हो सके इसलिए मैंने इसको अलग एक पेज पर लिखा हुआ है और आपको उसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले इसको दिखा दिए हैं कि आपको ऐसा नहीं लगे कि हम अपने मन से ऐसे ही रैंक को आपको बता रहे हैं। ये जो भी डाटा आपको बताएंगे हम सब इसके अनुसार ही बताएंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए उस डाटा को दिखाते हैं यहाँ स्क्रीन पर। बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो भी कॉलेज हैं वहाँ पे किस कैटेगरी के लिए कितना रैंक गया है आसानी से यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख लिए हुए हैं। तो इसके लिए एक तो लाइक बनता है और शेयर भी बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए किए हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग टोटल जो कॉलेज हैं बिहार में गवर्नमेंट वो 5 है, जहाँ पे प्रत्येक कॉलेज में 60-60 सीटों पर एडमिशन होगा। ठीक है, सबसे जो कट ऑफ हाई जाता है NMCH पटना के जाता है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं अच्छा रैंक वाले लोग इसको चूज करना चाहते हैं, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद भीम्स पावापुरी का जाता है, फिर NMCH गया हो गया,
NMMCH हो गया, JLNM भागलपुर जो है, और DMCH दरभंगा, ठीक है। इस प्रकार से रैंकिंग है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाने के लिए दिखा देते हैं UR, ठीक है। UR लिखे हुए हैं, यानी कि अगर आप UR कैटेगरी से आते हैं तो आपका अगर रैंक 163 के अंदर है, यानी मान लीजिए कि 160 के अंदर है, 1 से लेकर 160 के बीच आपका कोई भी रैंक है, तो आप UR से आते हैं तो आपको आसानी से NMCH पटना मिल जाएगा। और उसके बाद देखिएगा, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक यहाँ पे देखिए 54 गया है, यानी कि 54 जिनका रैंक है लास्ट ईयर में, उनका एडमिशन हो गया है NMCH पटना में EWS कैटेगरी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रैंक अगर 1 से लेकर 54 के बीच है, मान लीजिए 50 के बीच है, ठीक है, 1 से 50 के बीच आपका अगर रैंक है और EWS से आते हैं, और तो आपको NMCH पटना आसानी से मिल जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे BC का लिखा हुआ है, BC के लिए यहाँ पे 57 गया है, यानी कि आपका रैंक अगर BC कैटेगरी में 1 से लेकर 57 है, ठीक है, 1 से लेकर 57 के बीच, यानी कि मान लीजिए कि 50 या 55 के बीच है, तो आप सेफ जोन में, आपको आसानी से NMCH पटना में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे EBC का दिया गया है, तो EBC में अगर आपका रैंक यहाँ पे देखिए 45 गया है, यानी कि अगर आपका रैंक जो है 1 से लेकर 45 के बीच है, ठीक है, मान लीजिए 40 सेफ जोन के लिए, आपको मान लीजिए 40 अगर रैंक है, 1 से लेकर 40 के बीच आपका कैटेगरी रैंक EBC का, तो आसानी से NMCH पटना मिल जाएगा। और SC की बात किया जाए तो SC के लिए 47 गया है, उसी प्रकार 1 से लेकर 47 के बीच अगर आपका रैंक है तो आसानी से आपका NMCH मिल जाएगा SC कैटेगरी वालों के लिए। यहाँ पे ST के लिए सीट नहीं है, इसलिए यहाँ पर रैंक नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद DQ के लिए देखिए यहाँ पे, तो DQ के लिए 25 है, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 25 के बीच अगर आपका रैंक है, DQ कैटेगरी से आते हैं, तो आपको NMCH पटना BSc नर्सिंग कोर्स मिल जाएगा। और उसके बाद RCG बताए थे, जो गर्ल्स जो कैटेगरी से रिजर्व सीट है, उसके लिए अगर आपका रैंक RCG में अगर 1 से लेकर 24 के बीच है, जो लड़की होंगे उनको ओपन रैंक में ही नीचे RCG का रैंक जारी किया गया होगा, तो उसको देखना है, अगर आपका 24 से अंदर है तो आसानी से NMCH पटना में एडमिशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हर कॉलेज का आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है और अपना चेक कर लेना है। यहाँ पे सभी कॉलेज के बारे में हम डिटेल से बताने लगेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए आप लोग स्पेशल यहाँ पे ले लीजिए। ओवरऑल यहाँ पे आपको बता दें कि अगर इस रैंक से है तो आपको BSc नर्सिंग मिलेगा कि नहीं, तो देख सकते हैं कि UR से अगर आप हैं और टोटल आपका 570, यानी कि 1 से लेकर 570 के बीच आपका रैंक है, और जनरल से आते हैं, तो आपको आसानी से कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे अपना देख लीजिएगा कि आपका उस रैंक के अनुसार कौन से कॉलेज मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए EWS के लिए, ठीक है, EWS के लिए बात करें तो अगर आपका रैंक जो है 1 से लेकर 139 के बीच है, तो आपको आसानी से, यानी हाईएस्ट जो गया है 139 तक का आपका गया है कट ऑफ, तो इसके बीच अगर आते हैं EWS में आपका रैंक है, तो आसानी से कोई ना कोई BSc नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। उसी प्रकार BC के लिए देख लीजिएगा, अगर 296, यानी कि 296 के अंदर आपका BC रैंक है, तो आसानी से BSc नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा। EBC के लिए बात करें तो 251 गया है, ठीक है, EBC से अगर आते हैं 251 गया है। SC के लिए 116 गया है हाईएस्ट, ठीक है, 116 के बीच अगर ST से आते हैं तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ST की बात करें तो 10, यानी कि आपका ST कैटेगरी से है, आपका ST कैटेगरी रैंक अगर 10 के अंदर है तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा। और DQ की बात करें तो DQ के लिए 64 गया हाईएस्ट, और RCG के लिए गया है 179, अगर 179 के बीच है RC कोटा से, तो आपको आसानी से कोई ना कोई BSc नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया। अब आप इतना हम समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ आपको देखते चलना है और समझते चलना है और किस कॉलेज का कितना गया है। अब देखिए बी फार्मा में, तो बी फार्मा में जो टोटल सीट की बात करें 200 सीट है, GPI पटना और MIT मुजफ्फरपुर दोनों कॉलेज में 100 सीट है पर एडमिशन होता है। और बी फार्मा जो कोर्स है, आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से एग्ज़ाम दिए हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों को भी मिल जाएगा और बायो को भी मिल जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, दोनों कोर्स के लिए है, दोनों अगर मैथ और बायो से एग्ज़ाम दिए हैं। अगर बात करें कैटेगरी वाइज, तो अगर आपका रैंक 1179 है जनरल से आते हैं, तो आसानी से आपको फार्मा कोर्स मिल जाएगा। EWS से 244 गया है, 244 के अंदर है तो 589 है BC का, और EBC की बात करें तो 377 है, SC की बात करें तो 206 है, ST के लिए 15 गया है, और DQ के लिए 88 गया है, और RCG के लिए 400, यानी 400 के अंदर हैं आप RCG कोटा से, तो आपको आसानी से डी फार्मा कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद फिजियोथेरेपी और ऑक्सपोरेशनल थेरेपी दो कोर्सेज हैं, जो कि दोनों कोर्सेज में 20-20 सीटों पर एडमिशन होता है, और कैटेगरी वाइज इसमें सीट बांटा गया है। तो बात किया जाए कितना रैंक होना चाहिए, तो ये जो फिजियोथेरेपी कोर्स है सिर्फ बायोलॉजी वाले लोग को मिलता है, और इसमें अगर आपका रैंक UR में 541 है तो फिजियोथेरेपी मिल जाएगा, और UR से अगर है 783 के
743 के बीच है, तो ऑक्सफोर्ड थेरेपी मिल जाएगा। और यहाँ पे उसी प्रकार से सारा दिया गया है, अगर ईबीसी से आते हैं तो आपका 385 होना चाहिए ऑक्सफोर्ड थेरेपी के लिए, और फिजियोथेरेपी के लिए 187 आपको होना चाहिए। ये कोर्स अच्छा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका रैंक इसके अनुसार होगा तो। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छा से हम डाटा बनाएंगे किसी से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज में चार कोर्स में एडमिशन होता है, जैसे कि आपका रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि एक्सरे टेक्नीशियन को ही आई कोर्स जो होता है रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन हो जाता है, और ओटी असिस्टेंट का बैचलर कोर्स होता है, और उसके बाद बीएमएलटी होता है लैब वाले लोग के लिए, ठीक है, बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन, और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री यानी कि ऑप्थोल्मिक असिस्टेंट। तो इसके लिए टोटल सीट की बात करें तो हर कोर्स के लिए 20-20 सीट है, इस प्रकार के टोटल आपको 80 सीट होते हैं। और ये भी आपको बायोलॉजी वाले जो छात्र होंगे उन्हीं को ये कोर्स मिलेगा। और इसमें देखिए कितना रैंक होना चाहिए, अगर आप ईवार से आते हैं और अगर आप रेडियोलॉजिस्ट कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1071 के बीच आपका रैंक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 245 होना चाहिए, और बीसी से हैं तो 505 होना चाहिए, और ईबीसी से आते हैं तो 364 के बीच होना चाहिए, और एससी के लिए 156 के बीच होना चाहिए। ये नहीं कि 156 होना चाहिए, ये आप लोग को कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसके अंदर, ठीक है। मान लें यहाँ पे ईबीसी का जो रैंक दिया गया 364, तो इसका मतलब 1 से लेकर 364 के बीच आपका रैंक है तो आपको ये कोर्स मिल सकता है। नहीं कि ये आपको माइंड में नहीं रखना है कि 364 रहेगा तभी हमको रेडियोलॉजिस्ट कोर्स मिलेगा, ये हम लास्ट बताएं कि इससे अंदर अगर आपका रैंक है तो आसानी से मिल सकता है, ठीक है। डीक्यू का जो हाईएस्ट गया है 71 गया है इसमें, तो इस प्रकार से यहाँ पे सारा कोर्स का दिया गया है। तो अगर बात कर ले अगर पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका रैंक जो होना चाहिए 1253 के अंदर होना चाहिए जनरल से, और ईडब्ल्यूएस से 245 होना चाहिए, और बीसी से 593, ईबीसी से 389, और एससी के लिए 204, और एससीटी के लिए 17, डीक्यू के लिए 71, और आरसीजी के लिए 393। ओवरऑल बात कर लें अगर आप बायोलॉजी से एग्ज़ाम दिए हैं और मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग या आपका बी फार्मा हो गया या पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया, इनमें से कोई भी कोर्स आपको मिल जाए अगर ये चाहत रखते हैं तो कितना आपको रैंक अंदर होना चाहिए जिससे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करें यूआर से अगर आप 1253 के बीच आपका रैंक है यानी 1250, ठीक है, 1 से लेकर 1250 के बीच कोई भी रैंक आपका है तो आपको आसानी से कोर्स मिल जाएगा। अगर EWS से आते हैं तो EWS में आपका रैंक जो होना चाहिए कैटेगरी से 1 से लेकर 245 के बीच होना चाहिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। BC के लिए बात करें तो BC के लिए आपका 1 से लेकर 593 के बीच होना चाहिए, और EBC के लिए आपको 1 से लेकर 189 के बीच रैंक होना चाहिए, और BC की बात करें SC की बात करें तो आपका 1 से लेकर 206 के बीच होना चाहिए यानी कि अंदर 200 के रैंक आपका होना चाहिए। ST के लिए अंदर 17 होना चाहिए, DQ के लिए 95 के अंदर होना चाहिए, और RCG कोटा से हैं तो आपको 400 के अंदर होना चाहिए यानी कि 1 से लेकर 400 के बीच आपका जो भी रैंक है तो आसानी से कोई ना कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर से, अगर आप फिजिक्स मैथ दोनों से एग्जाम दिए हैं तो अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स आपको मिलेगा, कौन से कॉलेज में कितना रैंक गया है, तो इसके लिए भी यहाँ पर डाटा पूरा तैयार है आपका, देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट वीडियो के अंत में ले लीजिएगा, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो आपका रैंक है उसके अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा। ओवरऑल तो हम बताएंगे ही आपको कितना रैंक होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर कोर्स में अगर आप मैथ या बायो दोनों से एग्ज़ाम दिए हैं तो दोनों से एडमिशन हो जाएगा, मगर यहाँ पे सीट कम है क्योंकि इसमें सीट जो है टोटल 266 सीट है, ठीक है, मगर इसमें बांट दिया गया है, एग्रीकल्चर के लिए आधा सीट कर दिया गया और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के लिए आधा सीट कर दिया गया है, तो आधा सीट पर ही एडमिशन होगा। और यहाँ पे देखिए सबौर जो भागलपुर में एग्रीकल्चर के लिए कोर्स में एडमिशन होता है एग्रीकल्चर साइंस में, उसके लिए टोटल जो UR का गया है 284 अगर आपका रैंक है तो आसानी से मिल जाएगा। EWS में अगर आपका रैंक 1 से लेकर 83 के बीच है तो मिल जाएगा। BC के लिए बात करें तो 1 से लेकर 142 के बीच है तो आपको सबौर भागलपुर मिल जाएगा। EBC में अगर आपका रैंक 1 से लेकर 114 के बीच है तो आपका ये कोर्स मिल जाएगा एग्रीकल्चर, और SC की बात करें तो 1 से लेकर 32 के बीच है तो मिल जाएगा। DQ की तो 1 से लेकर 12 के अंदर है तो आपको मिल जाएगा, और RCG कोटा से अगर 75 के अंदर आपका रैंक है तो ये कोर्स आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देख लिए होंगे। अब यहाँ पे भी देखने वाली बात है कि 5 जो कॉलेज हैं जहाँ पे BSc एग्रीकल्चर कराया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया जाता है, 5 कॉलेज हैं,
टोटल अगर रैंक की बात करें तो 810 होना चाहिए यूआर में, तो आसानी से अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एडमिशन होगा। ईडब्ल्यूएस से हैं 213 होना चाहिए रैंक आपका ओवरऑल इसके अंदर, और 461 के अंदर आपका होना चाहिए बीसी में, ईबीसी में अगर 268 के बीच होना चाहिए, और एससी में 178 के बीच होना चाहिए, यानी एक से एक 178 के बीच होना चाहिए, डीक्यू में 118 के बीच होना चाहिए, और आरसीजी में 304 के बीच आपका होना चाहिए रैंक, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर कोर्स में ही आता है बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर अलग कोर्स होता है, ये कोर्स जो है फिजिक्स बायो या मैथ दोनों से जो कोर्स एग्जाम दिए होंगे उनको मिल जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आपको बायो से भी देना होना हो या मैथ से, आप दोनों से अगर दिए हैं तो भी अच्छा है, आपको ये कोर्स मिलेगा। अगर आप सिर्फ बायो से दिए हैं तो भी आपको एग्रीकल्चर कोर्स मिल जाएगा, अगर आप मैथ से भी दिए हैं तो भी मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग मैथ सिर्फ से दिए हैं तो भी मिलेगा। ये आपको नहीं होना चाहिए कि अगर हम बायो मैथ दोनों से दिए हैं तभी ये कोर्स मिलेगा, ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें हॉर्टिकल्चर के लिए 1140 के बीच यूआर में होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ से कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, अपना कैटेगरी वाइज देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद बायोटेक कोर्स होता है, ठीक है, बायोटेक जो बात करें इसमें भी अगर आप बायो से दिए हैं तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, मैथ से दिए हैं तो भी हो सकता है, बायो मैथ दोनों से दिए हैं तभी फिर एडमिशन हो सकता है। इसमें भी टोटल 15 सीट है, और यहाँ पे इसका रैंक दिया गया है कैटेगरी वाइज कितना कितना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें 1190 तक आपका होगा रैंक तो इसमें एडमिशन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस से 224 और बीसी के लिए 538, ईबीसी के लिए 322 और एससी के लिए 211 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं किशनगंज में ये कॉलेज है फिश के लिए, ठीक है, फिश साइंस के लिए होता है बैचलर फिश साइंस, ये केवल बायोलॉजी से अगर आप एग्जाम दिए हैं तभी आपको ये कोर्स मिलेगा, ये ध्यान में रखना है, ये बायोलॉजी के लिए, और ये में सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी होता है जो कि एनआई लोगों के लिए अवेलेबल होता है ये कोर्स, ठीक है, इसमें सीट होता है। तो आपको ओवरऑल बात करें तो 1415 के बीच आपका रैंक होना चाहिए अगर फिशेस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है इसका कॉलेज जो है भोजपुर आगरा में है, ठीक है, तो इसमें केवल मैथ से जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो दोनों से दिए होंगे तो उनका एडमिशन हो जाए, यानी कि मैथ आपका होना चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा। और इसमें टोटल रैंक जो गया 5984, यानी कि अच्छा अगर आपका कितना भी हाई रैंक हो 6000 के आसपास भी अगर आपका रैंक होता है यूआर में तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 1000 के आसपास होगा तो हो जाएगा, और बीसी में अगर आपका 2500 के बीच भी रैंक होगा तो इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा, एससी के लिए 285 है, डीक्यू के लिए 174 है, और लास्ट जो कोर्स है डेयरी है, ठीक है, डेयरी टेक्नीशियन, डेयरी टेक्नीशियन में भी आपको अगर मैथ से होंगे तभी एडमिशन होगा, बायो से होंगे तो एडमिशन नहीं होगा। आप प्रोपेटेक्स देख लीजिएगा उसमें सारा चीज़ दिया गया है, या सीट मैट्रिक्स भी आएगा तो उसमें दिया रहता है कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप डेयरी टेक्नीशियन करते हैं आपका रैंक 2800 के बीच है, यूआर से आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 1059 के बीच गया है, और 2842 बीसी में, ईबीसी के लिए 974, एससी के लिए 993 और एसटी के लिए 116, डीक्यू के लिए 136 और आरसीजी के लिए 2702 इस प्रकार से है। और एक कोर्स का जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक नहीं जारी किया गया था वह था आपका फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर होता है उसका नहीं किया गया था, उसमें भी एडमिशन होता है, और इस बार देखिए कहीं उसमें एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अगर जारी किया जाता है प्रोस्पेक्टस तो जारी किया, सॉरी सीट मैट्रिक्स, तो उसमें मालूम चल जाएगा, सीट मैट्रिक्स जैसे ही आता है तो हम आपको बता देंगे कि कैसे सीट मैट्रिक्स होता है उसको दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड पूरा वीडियो में जो भी जानकारी था सही सही बता दिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेके अपना जो भी कॉलेज जो करना चाहते हैं उसको मिला लेना है, आपको देख लेना है कि वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं, जिससे आपकी आप कीजिएगा कि आसानी से चूज फिलिंग कीजिएगा जिससे कि आपको कोर्स और कॉलेज मिल जाएगा ये आपको सब पता रहेगा। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, थैंक यू।